चलिए हम बात करते हैं चार्ट्स के टाइप्स के बारे में। हालांकि कि जब भी कोई डेटा को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट के अंदर चार्ट्स को लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इस डेटा पे कितने तरह के चार्ट्स लग सकते हैं, लेकिन हम कौन सा चार्ट कब लगाते हैं इसके बारे में एक बार जान लीजिए। हालांकि मैंने बताया आपको कि चार्ट चाहे जो भी लगाइए उसका यूज क्यों होता है, डेटा कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से पता करने के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉलम चार्ट की। तो कॉलम चार्ट की यूज कब करते हैं, जब हमारे पास जो सीरीज है, जो कॉलम्स है वो लिमिटेड है, उसी केस में कॉलम चार्ट का यूज होता है। अब थोड़ी है कि आपके पास मान लीजिए कि 10,000 कॉलम्स है या मान लीजिए 500 कॉलम्स है, उस पर कॉलम चार्ट यूज कर देंगे तो यहाँ 500 कॉलम दिखेगा और तो समझना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, चार्ट का यूज कब भी करते हैं, समरी पे ही करते हैं। चार्ट का यूज डेटा पे नहीं होता है, चार्ट का यूज समरी पे होता है। तो ये आपका इस पे वर्क होता है। और ये जो कॉलम चार्ट है इसमें बार चार्ट भी है और बाकी चार्ट जो भी कॉलम कैटेगरी के चार्ट्स आते हैं तो हम कंपेयरिंग करते हैं एक स्मॉल डेटा के ऊपर। बात करते हैं लाइन चार्ट की। तो लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो को देखने के लिए। जैसे क्वार्टरली आपका रिपोर्ट है, क्वार्टरली किसको कहते हैं, 3 महीने का रिपोर्ट होता है, 90 दिन का रिपोर्ट जो होता है, जैन फेब मार्च एक क्वार्टर हो गया। तो क्वार्टरली रिपोर्ट देगा आपका पास है कि मान लीजिए 30 दिन का रिपोर्ट आ गया या 1 महीने का रिपोर्ट आ गया, आपको फ्लो देखना है कि कहाँ पे आपका सेल्स घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, एटलीस्ट सेल्स का फ्लो क्या है, क्योंकि सेल्स एक समान तो नहीं होती है ना। तो हमें देखना होता है कि मेरा जो लाइन है, जैसे मान लीजिए कि इसी के बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसी को हमारा लाइन देख पा रहे हैं कि 15,000 या मान लीजिए 60 ये आपका 60 का जो आ रहा है लाइन, तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा स्टेबल नहीं है, कभी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो ये तो जब लाइन चार्ट के यूज हम करते हैं तो ये 4-5 दिन के बीच का कंपेयरिंग उतने सही ढंग से हमें नहीं देती है, लेकिन जब हमारा डेटा कॉलम वाइज या रो वाइज बड़ा होता है तो लाइन चार्ट हमें एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो लाइन चार्ट के सारे इसी में एरिया चार्ट जो कि लाइन चार्ट की तरह होता है, बस एरिया कवर कर लेता है। तो लाइन चार्ट की जो कैटेगरी है उसका यूज हम डेटा फ्लो करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। ये जो इस तरह के देखते हैं क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज किसके लिए होता है, शेयरिंग देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके 5 प्रोडक्ट का सेल हुआ है, 5 प्रोडक्ट का सेल में आपका कौन कौन से किसका किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वहां पे भी इसका यूज करते हैं पाई चार्ट का। उसके बाद यहाँ पे आपके ट्री मैप चार्ट है जो कि आपका एक्वायरेशन एरिया दिखाता है कि किसने कितना एरिया को एक्वायर किया हुआ है। फिर आपके पास हिस्टोग्राम चार्ट आता है जहाँ पे हम फ्लो देख सकते हैं कि भाई रेस्ट फ्लो कितना है, सिक्वेंशियल अरेंज आपको दिखाता है, ये बॉक्स है, एरर चार्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद स्कैटर चार्ट जो कि लाइंस में दिखाता है, घनत्व दिखाता है। इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे बहुत बड़ा डेटा हो, अगर हम लाइन करेंगे तो बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा, अगर हम कॉलम करेंगे तो कई सारे कॉलम्स हो जाएंगे जिसमें उनको समझना मुश्किल है, तो हम यूज करते हैं ये डॉट चार्ट, इसको बोलते हैं स्कैटर चार्ट, जहाँ ये डॉट्स की तरह होते हैं और ये लाइनिंग भी दिखाता है, इसमें स्मूथ लाइनिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। बबल चार्ट्स आपका एरिया और साइज दिखाता है। उसके बाद ये आता है आपका वाटरफॉल चार्ट। अब मैंने प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि जनवरी में मैंने 50 रुपये कमाया, फरवरी में मैंने 100 रुपये कमाया, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर हम इसको करते हैं तो ये जो जनवरी कहाँ तक पहुँचा, ये आपका 355 तक पहुँचा, और फरवरी का नीचे से नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आपने जनवरी में 100 रुपये कमाया और फरवरी में 50 कमाया तो टोटल आपके पास 150 रुपये हो गए ना, आपकी कैपेबिलिटी 150 रुपये की हो गई ना। तो हम
इस तरह से यूज करते हैं अपने स्किनर चार्ट। एक भी आता है टू चार्ट आता है, अब दो कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं। इन सबों के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे।